सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज के शुरू में आपको व्हाट्सएप के एक न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आप में से लगभग 99% लोग इस फीचर के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है? क्योंकि गाइज ये जो फीचर है ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, व्हाट्सएप में ऐड किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज जब आप व्हाट्सएप पे किसी को फोटो वीडियो सेंड करते हो तो सामने वाला बंदा जितनी बार चाहे आपके फोटो और वीडियो को देख सकता है, ठीक है? अब गाइज आप इस पे लिमिट लगा सकते हो। और गाइज अगर आप चाहते हो कि आपका जो फोटो है वीडियो है सामने वाला बंदा सिर्फ उसको एक बार ही देख पाए, ठीक है? तो दोस्तों आप इस चीज को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और गाइज जब आप इस फीचर को यूज करोगे तो सामने वाला बंदा आपके फोटो और वीडियो को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा, उसके बाद गाइज वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको ना तो डिलीट फॉर एवरीवन करना होगा और ना ही उस फोटो को डिलीट करना होगा, ठीक है? दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप दोस्तों हम सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, ठीक है? और गाइज आप यहाँ पे ये दो फोन देख सकते हो, दोनों में अलग अलग व्हाट्सएप है। इस वाले व्हाट्सएप से मैं आपको इसमें फोटो भेज के दिखाने वाला हूँ। अब हम एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। गाइज मान लीजिए कि हमें इस वाले फोटो को सेंड करना है, ठीक है? हम इसको सेलेक्ट करते हैं। गाइज आपको यहाँ पे एक नया फीचर मिलेगा लिमिट का, ठीक है? आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ देख सकते हो। सिंपली गाइज आपको इस फीचर को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है? आपको इस पे क्लिक करना होगा। और गाइज हमारा जो फीचर है वो अप्लाई हो चुका है, फोटो पे सेट हो चुका है। जब हम इस फोटो को सेंड करेंगे तो सामने वाला बंदा सिर्फ एक बार इस फोटो को देख पाएगा, ठीक है? हम इसको यहाँ से सेंड कर देते हैं। गाइज हमारा जो फोटो है वो सेंड हो चुका है और यहाँ पे हमें दूसरे वाले फोन में रिसीव भी हो चुका है, ठीक है? अब हम इस फोटो को यहाँ से ओपन करते हैं। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे इस फोटो को हम देख पा रहे हैं। अब हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फोटो था वो गायब हो चुका है और यहाँ पे ओपन लिख रहा है, ठीक है? यानी गाइज अब हम इस फोटो को नहीं देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन हमारा फोटो गायब हो चुका है। इस तरह गाइज आप लिमिट लगा के कोई भी फोटो सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो। सामने वाला बंदा सिर्फ एक बार ही उसको देख पाएगा, ठीक है? एक बार से ज्यादा उस फोटो को ना वो ओपन कर पाएगा ना देख पाएगा। इस तरह गाइज आप लिमिट लगा के किसी भी फोटो और वीडियो को भेज सकते हो। अब गाइज बात आती है कि हम इस फीचर को कैसे ऐड करें, ठीक है? गाइज ये जो फीचर है ये बिल्कुल न्यू है, अभी बीटा वर्जन में आ चुका है। अगर आप बीटा वर्जन इंस्टॉल करोगे तो दोस्तों आपको ये फीचर मिल जाएगा। बीटा वर्जन के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा व्हाट्सअप बीटा, ठीक है? और गाइज आपको यहाँ पे व्हाट्सअप बीटा मिल जाएगा। गाइज आप इसको डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको बीटा के लिए बीटा टेस्टर बनना होगा। आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का। ऑलरेडी मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पे मुझे लीव का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको ज्वाइन पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो कुछ टाइम बाद आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा और आप बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है? इस तरह गाइज आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सअप बीटा को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो व्हाट्सअप का जो बीटा वर्जन है उसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं, ठीक है? व्हाट्सअप में जब भी कोई भी नया फीचर आएगा, कुछ भी नया ऐड किया जाएगा, वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है? इसका यही फायदा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।